शाजापुर से इंदौर जाते समय बीजेपी नेता कुछ देर के लिए शाजापुर में ही रुके। यहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश के बड़े शायर, बड़े लोग तालिबान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनमें मानसिक दिवालियापन दिखता है। उज्जैन में लगे देश विरोधी नारों पर उन्होंने कहा कि जेएनयू में नारे लग रहे हों या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में या फिर उज्जैन में, ये सभी देश विरोधी काम कर रहे हैं, इनसे देश को कोई फर्क नहीं। सब काम करता हुआ अभी तो गर्मी है मालूम के तो और शाजापुर को तो आपने इतना दिया है इसी दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर कुछ लोग अभी भी तालिबानी प्रवृत्ति के हैं। मुझे लगता है कि जब इस प्रकार के लोग तालिबान का समर्थन करते हैं तो उनकी मतलब मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा चिंता हो जाती है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े शायर हैं और उम्र के इस ढलान में यदि वो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन दिखता है। ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस देश के अंदर चाहे वो जेएनयू में नारे लगे हों, चाहे वो कलकत्ता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में नारे लगे हों या उज्जैन में नारे लगे हों, कुछ एक अर्बन नक्सल लोग हैं जो देश में समाज विरोधी और देश विरोधी काम कर रहे हैं। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दिखाई देता है पर इससे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कभी भी समाज के द्वारा एक तरफ कर दिए जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के नारों से समाज में या देश में कोई फर्क पड़ता है। पर ऐसी मानसिकता जरूर देना था नहीं तो बहुत राज्य सरकार के गाल पे करारा तमाचा है और वहाँ पर प्रजातंत्र मजबूत होगा और जिस प्रकार की हिंसक राजनीति चल रही थी उस पर लगाम।